गुड मॉर्निंग सेवन क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट कर दिया था हीट, अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक लेंगे। हमने पढ़ा था ट्रांसफ़र ऑफ हीट, कि हीट का कैसे ट्रांसफ़र होता है। तो मैंने बताया था हीट का ट्रांसफ़र थ्री टाइप से होता है, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। ठीक है, हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, टेम्परेचर को किससे मेजर कर रहे थे वो पढ़ा था हमने। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है? 30 डिग्री सेल्सियस होता है, ये सब हमने पढ़ा था। अब हम जो इसके वेज हैं हीट के ट्रांसफ़र के, वो थ्री टाइप्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल कंडक्शन। कंडक्शन क्या होता है? द फर्स्ट एग्जांपल वी कंसिडर इलस्ट्रेट कंडक्शन। तो इसमें एक एक्टिविटी दी है। कंडक्शन में क्या होता है कि अपन ने कोई भी यहाँ पे एक मेटल रोड लिए, ठीक है, ये देखो डायग्राम में देखो, मेटल रोड लिए, ठीक है, यहाँ पे सपोर्ट के द्वारा इसको यहाँ पे दबा दी गई है, और इधर से इसको कैंडल से क्या करेंगे हम, हीट करेंगे। तो क्या होगा, हम हीट तो यहाँ कर रहे हैं, लेकिन ये पूरी मेटल रोड क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हीट का क्या हो रहा है, कंडक्शन हो रहा है। कैसे? वन मॉलिक्यूल से अदर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हीट हो रहे हैं, फिर ये मॉलिक्यूल्स अपनी हीट को पास वाले मॉलिक्यूल्स को दे देंगे, फिर ये ऐसे ट्रांसफ़र करते करते हीट पूरी एंड तक पहुँच जाएगी। ठीक है, तो क्या होता है, देखिए, कंडक्शन ऑफ सॉलिड मॉलिक्यूल्स, कंडक्शन फ्रॉम द हॉट पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट्स और फ्रॉम वन हॉट ऑब्जेक्ट टू ए कोल्डर वंस अकर इफ़ द टू पार्ट्स आर इन कॉन्टैक्ट। ठीक है, कंडक्शन में क्या होता है कि हॉट पार्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट का हॉट पार्ट और उसका कोल्डर पार्ट, ठीक है, जब एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो क्या होता है, वो हीट हो जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। द कंडक्शन ऑफ हीट स्टॉप वंस द हॉट ऑब्जेक्ट हैव द सेम टेम्परेचर। और कंडक्शन कब स्टॉप हो जाता है, जब वो दोनों ऑब्जेक्ट्स का टेम्परेचर कैसा हो जाता है, सेम। वी सी दिस हैपन इन ए थर्मामीटर, व्हेन द बल्ब ऑफ द थर्मामीटर इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द हॉट ऑब्जेक्ट द मर्करी एब्जॉर्ब द हीट एंड इट्स लेवल राइज। जैसे हम देख सकते हैं कि थर्मामीटर में जो बल्ब होता है वो कॉन्टैक्ट में आता है किसी भी हीट ऑब्जेक्ट के, तो मरकरी क्या हो जाती है, मरकरी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है और उसका लेवल उठ जाता है। वंस द थर्मामीटर एंड द ऑब्जेक्ट आर एट द सेम टेम्परेचर, फिर जब थर्मामीटर और ऑब्जेक्ट सेम टेम्परेचर के हो जाते हैं तो हीट का ट्रांसफ़र रुक जाता है और मरकरी का लेवल बढ़ता नहीं है। रिमेंबर डेट देर आर टू इम्पोर्टेंट कंडीशन फॉर हीट टू बी कंडक्टेड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। इसके लिए दो कंडीशन चाहिए कंडक्शन के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल द टू ऑब्जेक्ट शुड बी इन कॉन्टैक्ट, कि टू ऑब्जेक्ट कॉन्टैक्ट में होनी चाहिए। देयर टेम्परेचर्स शुड बी डिफरेंट, और टेम्परेचर उनके डिफरेंस होने चाहिए। रिमेंबर डेट हीट फ्लो ओनली फ्रॉम ए हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर वन, और जो हीट फ्लो होगी वो हमेशा हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर की तरफ ही होगी। व्हेन वी प्लेस द स्पून इन द हॉट कप ऑफ मिल्क, जब हम गर्म दूध में चम्मच डालते हैं तो हम देख सकते हैं द स्पून एंड द मिल्क वर इन कॉन्टैक्ट एंड देयर टेम्परेचर वर डिफरेंट, दोनों के टेम्परेचर डिफरेंट, स्पून तो कोल्ड है। द कोल्ड स्पून एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम द हॉट मिल्क, तो जो कोल्ड स्पून है वो हीट हॉट मिल्क से हीट एब्जॉर्ब करेगी और उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। एक और एक्टिविटी देखिए, यहाँ पे टू रोड, एल्युमिनियम रोड है और इधर एक आयरन रोड है, और इसको हम बर्नल के थ्रू गर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने दोनों को गर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एल्युमिनियम रोड जल्दी गर्म हो रही है और आयरन रोड उसके बाद में थोड़ी बाद में गर्म होगी। मतलब जो एल्युमिनियम रोड है वो क्या है, बेटर कंडक्टर है हीट की देन आयरन, यही इसमें बताया गया है। तो कंडक्टर और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ये तुमने सिक्स क्लास में भी पढ़ा हुआ है। इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ ए बाइसिकल स्पोक, ए थिक वायर और ए स्टेनलेस स्टील स्पून, द अदर एंड सून बिकम टू हॉट टू होल्ड। बट इफ़ यू हीट वन एंड ऑफ ए ग्लास रोड और ए डिप टू प्लास्टिक स्पून इन टू हॉट वाटर, यू कैन होल्ड द अदर एंड विदाउट डिस्कम्फर्ट। ऐसे देखिए, हमने कोई भी स्टेनलेस स्टील की चम्मच है या वायर है या कुछ भी हमने किसी गर्म चीज़ में डाल दी है तो वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। ठीक है, और अब उसी में हमने एक ग्लास की रोड या हमने प्लास्टिक की स्पून डाली है तो ये क्या होगी, विदाउट डिस्कम्फर्ट के हम उसको पकड़ सकते हैं आराम से, मतलब वो हीट हॉट नहीं हुई है, गर्म नहीं हुई है। दिस मीन्स डेट ऑल सब्जेक्ट्स डू नॉट कंडक्ट हीट इक्वली वेल, ये सारे जो सब्सटेंस होते हैं, मटेरियल होते हैं, वो हीट को कंडक्ट इक्वली नहीं करते हैं। ठीक है,
सब्सटेंस विच कंडक्ट हीट वेल आर कॉल्ड गुड कंडक्टर। जो सब्सटेंस हीट को अच्छे से कंडक्ट करते हैं वो गुड कंडक्टर होते हैं। एबिलिटी टू कंडक्ट हीट वेरियस फ्रॉम मेटल टू मेटल। जो एबिलिटी होती है हीट को कंडक्ट करने की वो भी मेटल में भी अलग अलग होती है। सारे मेटल गुड कंडक्टर होते हैं लेकिन उनमें भी वेरिएशन होता है। जैसे सिल्वर इज़ द बेस्ट कंडक्टर, सिल्वर वेरियस सबसे बेस्ट कंडक्टर है। कॉपर, एल्यूमिनियम और आयरन उनके बाद में आते हैं। सब्सटेंस विच डू नॉट कंडक्ट हीट, जो सब्सटेंस हीट को कंडक्ट नहीं करता है अच्छे से, उसे बैड कंडक्टर कहते हैं या इंसुलेटर बोलते हैं। जैसे पेपर, ग्लास, एबेस्टोस, वुड, प्लास्टिक एंड रबर आर एग्जांपल ऑफ बैड कंडक्टर। यू कैन होल्ड वन एंड ऑफ पीस ऑफ पेपर इन योर हैंड वाइल द अदर एंड इज़ बर्निंग बिकॉज पेपर इज़ बैड कंडक्टर। आराम से पकड़ सकते हो, तुम एक तरफ तुमने पेपर को जलाया तो दूसरी तरफ से उसको आराम से पकड़ सकते हो क्योंकि पेपर बैड कंडक्टर है। द सेम गोज फॉर ए मैच विच इज़ मेड ऑफ वुड। ऐसे ही हम माचिस की तिल्ली को हम पकड़ सकते हैं। लिक्विड एंड गैसेज इन जनरल आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। लिक्विड और गैसेज भी पुअर कंडक्टर होते हैं हीट को। मर्करी इसका एक्सेप्शन है। इसमें फॉलो एक्टिविटी भी करी हुई है, देखिए। इसमें एक मोल्टन वैक्स है, इसमें पिघली हुई वैक्स है जिसमें हमने एक कॉइन डाला हुआ है, ठीक है। अब क्या करेंगे, देन टिल्ट द टेस्ट ट्यूब एंड हीट द अपर पोर्शन एज वेल। तो हम इसमें एक एक्टिविटी कर रहे हैं कि मोल्टन वैक्स में हमने कॉइन डाल दिया है, ठीक है, तो वो ऊपर से कोटेड हो जाएगा कॉइन। फिर हम इस कॉइन को एक टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे, वाटर से आधी फिल है टेस्ट ट्यूब में, हम इसको डाल देंगे और हम इसको अपर पार्ट को गर्म करेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर सिर्फ अपर, इसका अपर पार्ट वाटर का बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा लेकिन लोअर पार्ट नहीं होएगा। हम इस तो ये मेल्ट भी नहीं होगी वैक्स, ठीक है, और हम कॉइन को बाहर निकालेंगे, ठीक है। द वॉक्स वैक्स डज नॉट मेल्ट, वैक्स इसकी बिल्कुल भी मेल्ट नहीं हुई है बिकॉज वाटर एंड ग्लास आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। क्यों, क्योंकि वाटर और ग्लास दोनों ही क्या है, बैड कंडक्टर हैं हीट के। अब यहाँ पे देखिए सम यूजेज ऑफ कंडक्टर के, सम यूजेज देखो, देखो कुकिंग यूटेंसिल्स, सारे जो खाना बनाने के बर्तन होते हैं मेटल के बने होते हैं क्योंकि इसमें हीट अच्छे से ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है, और हमको फ्लेम भी अच्छे से मिल जाती है। तो सम इवन हैव कॉपर बेसिस बिकॉज कॉपर इज़ बेटर कंडक्टर देन स्टील और एल्यूमिनियम। तो हम ज़्यादातर जो बर्तन होते हैं उनके बेस कैसे होते हैं, कॉपर के होते हैं क्योंकि ये ज़्यादा गुड कंडक्टर होता है स्टील और एल्यूमिनियम से। कप्स आर नॉट मेड ऑफ मेटल, लेकिन हम कप वगैरह मेटल के नहीं बनाते हैं क्योंकि वो ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, इसलिए हम उनके चाइना क्ले के बनाते हैं जो पुअर कंडक्टर होती है हीट की। और जो हैंडल्स होते हैं केटल्स के, केतली वगैरह के, पेन के, इनको भी हम इंसुलेटर्स के बनाते हैं जैसे वुड, प्लास्टिक, इन सब के, ठीक है। एबेस्टस शीट्स और क्ले टाइल्स विच आर पुअर कंडक्टर होती है, इसलिए हम इनको हाउस की शेड वगैरह, रूफ़ वगैरह बनाने के काम में लेते हैं। इफ़ एल्यूमिनियम और आयरन शीट वर यूज इंस्टीड, एल्यूमिनियम और आयरन की शीट बनाने के बजाय, दे वुड कंडक्टर हीट, क्योंकि ये कंडक्ट करती है हीट को तो गर्म हो जाएगा रूम, ठीक है, और हम रह नहीं पाएंगे क्योंकि गर्म हॉट हो जाएगा समर में और विंटर में बहुत ज़्यादा कोल्ड हो जाएगा। ग्लास इज़ बैड कंडक्टर, ग्लास भी बैड कंडक्टर होता है हीट का, जैसे ग्लास टम्बलर, मैनी क्रैक इफ़ यू सडनली, अगर हम उसमें अचानक गर्म दूध और गर्म चाय डाल देते हैं तो एकदम क्रैक हो जाता है। द पार्ट ऑफ द टम्बलर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट लिक्विड गेट हीटेड एक्सपेंड, क्यों, क्योंकि जो ये टम्बलर का जो पार्ट है वो एकदम से हॉट लिक्विड के से में आएगा तो एक्सपेंड होएगा। वाइल द पार्ट नॉट कॉन्टैक्ट, और जो पार्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आया वो वैसा ही रहेगा, कूल ही रहेगा, ठीक है, जिससे उसमें क्रैक्स हो जाते, दरारें आ जाती है। इफ़ यू प्लेस ए स्टील स्पून इन द टम्बलर एंड देन प्योर इन द टी, द टम्बलर विल नॉट क्रैक। अगर तुम चम्मच डाल के फिर तुम उसमें अगर चाय डाल रहे हो तो वो क्रैक नहीं होगा। स्टील बिंग गुड कंडक्टर ट्रांसफर अवे द हीट क्विकली एंड दस द रिड्यूस द हीट अवेलेबल टू द पार्ट ऑफ द टम्बलर इन कॉन्टेक्ट विद द हॉट लिक्विड, क्योंकि जो हीट होगी हॉट टी की वो डायरेक्ट किसके कॉन्टैक्ट में आएगी, पहले स्पून के कॉन्टैक्ट में आएगी, जो गुड कंडक्टर तो हीट को एब्जॉर्व कर लेगा, है ना, ठीक है। द वॉल्स एंड डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर हैव टू लेयर्स, जो डोर वॉल होती है और जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का वो टू लेयर्स का होता है, इंसुलेटिंग मटेरियल का, बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल होता है उसके अंदर। दिस मटेरियल प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग द रेफ्रिजरेटर, तो ये हीट को अंदर नहीं आने देता है और बाहर अंदर ही, और द सेम इज़ ट्रू फॉर थर्मल फ्लास्क और गीज़र, यही सब फैक्ट थर्मस के साथ और गीज़र के साथ होता है।
अब हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे कन्वेक्शन क्या होता है। हमने कंडक्शन देखा, कंडक्शन में दोनों चीज़ें कांटेक्ट में होना ज़रूरी होता है। कन्वेक्शन में लिक्विड और गैसेस, ये इनमें कंडक्ट होती है हीट, ठीक है। सॉलिड में तो कंडक्शन के थ्रू हीट का ट्रांसफ़र होता है, और लिक्विड और गैसेस में कन्वेक्शन के थ्रू। इफ़ लिक्विड एंड गैसेज आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, हाउ डज हीट ट्रेवल थ्रू देम। जब लिक्विड और गैसेस तो पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, तो फिर हीट कैसे ट्रेवल करेगी। इट ट्रेवल्स बाई प्रोसेस कॉल कन्वेक्शन। तो इसमें हीट कन्वेक्शन के थ्रू ट्रेवल करेगी, ठीक है। इसमें भी एक एक्टिविटी बताई गई है। देखो इसमें क्या एक्टिविटी है, एक बीकर लिया गया है जिसमें वाटर को हमने फिल कर दिया है, ठीक है। और इसमें नीचे से फ्लेम लगा दी गई है जिससे इसको गर्म कर रहे हैं हम, और इसमें हमने KMnO4 के थोड़े से क्रिस्टल डाल दिए गए हैं, ठीक है, जिससे ये थोड़ा रेड कलर का हो जाएगा। तो इसमें जो हम देखेंगे, जैसे जैसे वाटर बॉयल होएगा, नीचे से हीट होएगा, तो इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो ऊपर जाएंगे, ठीक है, और ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स नीचे आएंगे, ठीक है। और ये इस प्रकार पूरा वाटर क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, और ये पूरा एक दूसरे में मिक्स हो जाएगा और ये गर्म हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट इन ए लिक्विड और गैस बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द हॉटर टू द कोल्डर पार्ट ऑफ द लिक्विड और गैस इज कन्वेक्शन। तो वह प्रोसेस जिसमें लिक्विड और गैस में हीट का ट्रांसफ़र कैसे होगा, मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट से, ठीक है। कंडक्शन में तो हमने क्या देखा था, मॉलिक्यूल्स खुद मूवमेंट नहीं करते, सिर्फ एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल्स को हीट पास कराते हैं। लेकिन इसमें मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मूवमेंट होता है मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। द हॉटर टू द कोल्डर, हॉटर से कोल्डर की तरफ लिक्विड और गैस में, इसे कन्वेक्शन बोलते हैं। द करंट सेटअप इन द लिक्विड और गैस इज कॉल्ड कन्वेक्शन करंट, और जो इसमें करंट सेटअप होता है उसे कन्वेक्शन करंट बोलते हैं। सॉलिड डू नॉट कन्वेक्ट हीट, इसमें सॉलिड कन्वेक्ट नहीं कर सकते हीट को, ठीक है। हम सिंपल एपरेटस से भी इसको समझ सकते हैं, ठीक है, जो तुम खुद बना सकते हो किस प्रकार होएगा, ठीक है। इसके अब एप्लीकेशंस देखिए किस में काम आते हैं। वेंटिलेटर्स में, इनमें हम क्या करते हैं, एग्जास्ट फैन वगैरह में, इनमें क्या होता है, वेंटिलेटर एंड एग्जास्ट फैन आर यूजुअली नियर द सीलिंग ऑफ ए रूम। हम ऊपर की तरफ लगाते हैं ये सब, बिकॉज द एयर वी ब्रीथ आउट इज़ वार्मर। जो हम सांस में के थ्रू जो हम एयर बाहर निकालते हैं वो कैसी होती, गर्म होती है, ठीक है। इट राइजेज एंड एस्केप थ्रू द वेंटिलेटर्स, तो ये एग्जास्ट फैन और वेंटिलेटर्स के थ्रू बाहर निकल जाएगी गर्म हवा, और कोल्ड फ्रेश हरा विंडो के थ्रू एंटर कर जाएगी, क्योंकि कोल्ड एयर तो कैसी होती है, हैवी होती है, इसलिए नीचे रहेगी, और वार्म एयर ऊपर की तरफ उठ के वेंटिलेटर्स में से और एग्जास्ट फैंस के थ्रू बाहर निकल जाएगी। हॉट स्मोक एंड गैसेस फ्रॉम इंडस्ट्रियल, ऐसे ही जो गैसेस होती है इंडस्ट्री की, हॉट स्मोक होती है, धुआं वगैरह होती है, वो चिमनी बहुत ऊंचाई पे लगाई जाती है, क्योंकि ऊपर अप होके चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाएगी। हीटर्स, ब्लोअर्स एंड हीट कन्वेक्टर्स हीट ए रूम बाई सेटिंग अप कन्वेक्शन करंट्स, ठीक है। ये रूम हीटर्स वगैरह होते हैं, ये भी कन्वेक्शन के थ्रू पूरे रूम को गर्म कर देते हैं। व्हेन फायरमैन एंटर ए बिल्डिंग इन विच फायर हैज़ ब्रोकन आउट, दे जनरली क्रॉल इन बिकॉज द चोकिंग स्मोक एंड हॉट एयर राइज वर्ड्स, ठीक है। तो कैसे घुसते हैं वो, क्रॉलिंग, रेंग के घुसते हैं, क्योंकि जो स्मोक होती है, धुआं होती है, हॉट एयर होती है, वो कैसे होती है, ऊपर की तरफ होती है, ठीक है। ऐसे ही सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, द सी एंड लैंड ब्रिज विच ब्लो इन कोस्टल एरिया आर एक्चुअली कन्वेक्शन करंट, और जो समुद्र में और लैंड में जो हवाएं चलती है, समुद्र से हवा की लैंड की तरफ, लैंड से सी की तरफ, ये भी कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू ही चलती है। कैसे, अब देखिए इसमें सी ब्रिज में, सी ब्रिज में जो एयर होगी वो किधर से किधर चलेगी, यहाँ पे लैंड, लैंड में लैंड क्या होगा, सी ब्रिज में दिन के समय में लैंड वार्म होगी, गर्म होगी, ठीक है, ऊपर उठेगी, इसकी जगह लेने के लिए समुद्र से हवाएं चलेगी, तो इन्हें क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलेंगे, ठीक है। दिन में सी ब्रिज चलेगी, और रात के टाइम में क्या होगा, रात के टाइम में जो वाटर है, क्योंकि जो लैंड होती है वो जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, वाटर तो थोड़ा गर्म रहेगा, तो इधर से ये वार्म होके हवा ऊपर उठेगी, तो इसकी जगह लेने के लिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एयर प्रेशर कम हो जाएगा, तो इसकी जगह लेने के लिए लैंड से सी की तरफ हवाएं चलेगी, इसलिए रात को लैंड से इधर की तरफ हवा चलती है, ठीक है। द मानसून इज आल्सो इन कन्वेक्शन करंट, मानसून भी कन्वेक्शन करंट के थ्रू ही होता है। कैसे, कि जब दो जगह का टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है लैंड और सी का, तो क्या होता है,
वाटर एयर राइजेज फ्रॉम द लैंड इन समर एंड कूल मॉइस्चर लैंड आर ब्लोन फ्रॉम इन फ्रॉम द सी। इसलिए क्या हो जाएगा, समर में गर्म हो जाएगी हवा ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा समुद्र से लैंड की तरफ आएगी। ठीक है, बर्ड्स लाइक काइट्स वल्चर्स ईगल्स द काइट्स और फ्लाइंग ग्लाइडर्स यूज करंट ऑफ एयर राइजिंग फ्रॉम द लैंड ऑफ राइस हाई एंड ग्लाइड फॉर्ड ईजीली। ठीक है, ये तुम्हारा कन्वेक्शन को हुआ। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसका रेडिएशंस के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।